शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जितने शीघ्र हमारे देश के विचारवान लोग देश की शिक्षा संबंधी संस्थाओं को मजहब, जाति अथवा संप्रदाय की नींव पर खड़े करने की अपेक्षा देशीयता की पवित्र तथा उदार नींव पर खड़ा करना सीख जावें, उतना ही देश के भविष्य के लिए कल्याणकर होगा। शिक्षा में किसी प्रकार की भी संकीर्णता शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य का नाश कर देती है। देश के कल्याण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम मजहबी बातों को केवल मात्र अपनी अपनी व्यक्तिगतता तक परिमित रख अपने हर प्रकार के सार्वजनिक जीवन में सर्वथा भारतवासी बने रहें। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वह धार्मिक अथवा मजहबी शिक्षा के विषय में है। हमें दुख के साथ अनुभव करना पड़ता है कि धार्मिक शिक्षा का मनोहर भूत हमारे अनेक देशवासियों के चित्तों में उचित से अधिक घर कर जाता है। हम इस गंभीर विषय पर इस छोटे से लेख में अधिक लिखने में असमर्थ हैं, किंतु हम यह अवश्य कहेंगे कि जब हमें यह बताया जाता है कि अमुक संस्थाओं में हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो हम यह नहीं समझ सकते कि हिंदू धर्म की शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है। यदि हिंदू धर्म की शिक्षा से यह अभिप्राय हो कि उस संस्था में जात पात, छुआछूत, अंध स्थिति पालन तथा हिंदुओं के अन्य अनेक अंधविश्वासों का प्रचार किया जाएगा तो हम दुख किंतु निर्भीकता के साथ यह कहे बिना नहीं रह सकते कि इस प्रकार की शिक्षा देश को लाभ पहुंचाने के स्थान पर देश के कल्याण के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगी और देश को उन्नति की ओर ले जाने के स्थान पर अवनति तथा अज्ञान की ओर ले जाएगी। किंतु यदि हिंदू धर्म की शिक्षा से अभिप्राय सच बोलना, चोरी न करना इत्यादि केवल आचार नैतिक विषयों की शिक्षा से है तो हमारी समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म की शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा तथा सिख धर्म की शिक्षा में भेद क्यों किया जाता है। हमें इन धर्म अथवा मतों में ऐसा कोई भी मत नहीं दिखाई देता जो सदाचार की प्रशंसा तथा दुराचार की निंदा न करता हो। कोई कारण मालूम नहीं होता कि छोटी आयु से ही हमारे बच्चों में संकीर्णता उत्पन्न करने के प्रयत्न क्यों किए जाएं। हम इस स्थान पर सांप्रदायिक अथवा मजहबी शिक्षा तथा सदाचार की शिक्षा में स्पष्ट भेद करना चाहते हैं। हम सदाचार की शिक्षा के पक्षपाती हैं, किंतु सांप्रदायिक शिक्षा को शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य के सर्वथा विरुद्ध समझते हैं तथा उसके स्पष्ट विरोधी हैं। सदाचार की शिक्षा के लिए किसी भी मत विशेष का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। विविध मतों के आदर्श पुरुषों के चरित्र बच्चों को सदाचारी रहने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। जापान के समस्त स्कूलों में सदाचार की शिक्षा का एक घंटा होता है। उस घंटे में शिक्षक के सम्मुख मेज पर उपस्थित शिंतो, बौद्ध, ईसाई इत्यादि देशों समस्त मत मतांतरों की उत्तम उत्तम नीति विषयक पुस्तकें पढ़ी होती है। शिक्षक इन विविध पुस्तकों में से अच्छी अच्छी बातें तथा सत्य, देश प्रेम, वीरता इत्यादि के उदाहरण छांट कर बच्चों को सुनाता है। निस्संदेह इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को सदाचारी बनाने के साथ साथ उदार मनस्वी बनाती है, किंतु सांप्रदायिक शिक्षा प्रायः उन्हें संकुचित हृदय तथा अंधविश्वासी बना देती है। जापान में जबकि एक और पूर्वोक्त सदाचार सब स्कूलों में तथा सब क्लासों में दिया जाता है, दूसरी और किसी भी मत की सांप्रदायिक शिक्षा स्कूलों में दिए जाने के विरुद्ध वहां कड़ा कानून है। स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक उदार शिक्षा का उद्देश्य बालकों तथा बालिकाओं को वे ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करना है जिनके द्वारा वे मत मतांतरों के झगड़ों से बाहर निकलकर निष्पक्ष होकर स्वयं स्वतंत्रता के साथ सत्य तथा असत्य के सिद्धांत में भेद कर सकें और अंध स्थिति पालन से बचकर मनुष्य जाति की रचना में उचित भाग ले सके। अनेक लोग हमारे देश के सरकारी स्कूलों के भीतर भी हिंदू तथा मुसलमान बच्चों को पृथक पृथक मजहबी शिक्षा देने का प्रबंध कर अपने को हमारा हित चिंतक सिद्ध करना चाहते हैं। ये रोग भारत के अनेक प्रांतों में अभी एक नया रोग प्रतीत होता है। स्मरण रहे, यदि इस प्रकार की सलाहें देने वालों का हार्दिक उद्देश्य वह न भी हो कि असांप्रदायिक स्कूलों के भीतर हमारे प्यारे बच्चों के चित्त में अपनी भारतवासी होने की जगह पृथक पृथक हिंदू मुसलमान होने का विचार जोरों के साथ बना रहे और उनमें बचपन से ही थोड़ा बहुत पक्षपात उत्पन्न हो जाए तो कम से कम उनकी सलाहों पर कार्य करने का परिणाम अवश्य वही होगा।
हम किसी दूसरे के हृदय को व्यर्थ दुखाना नहीं चाहते, किंतु हमारे अपने दुखित हृदय से यह आवाज निकले बिना नहीं रहती कि झूठे मजहबी झगड़े ही अधिकतर हमारे देश का कोड हो रहे हैं, और यदि हम इस देश का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें शीघ्र तथा हर प्रकार से इस भयंकर रोग से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, चुनी हुई रचनाएं।